नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। एक बार फिर बौखलाया आतंकी हाफिज सईद। भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को युद्ध की घोषणा करार दिया। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा था कि अगर पाक आतंकवाद पर काबू नहीं पाता तो वह हो जाएगा 10 टुकड़ों में विभाजित। अमेरिका चीन में बड़ी तनातनी। दक्षिण चीन सागर में चीन ने जब्त किया अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका ने औपचारिक विरोध दर्ज कर लौटाने की उठाई मांग। हिलेरी क्लिंटन ने अमेरिकी चुनाव में हार के लिए रूस को ठहराया जिम्मेदार। रूस पर लगाया चुनाव में हैकिंग का आरोप। रूस ने अपने ऊपर लगे आरोपों का किया खंडन। इंडोनेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 5.1 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस और जापान के बीच द्वीप विवाद जल्द सुलझाया नहीं जा सकता। दोनों देशों के बीच अभी तक नहीं हुआ है शांति संधि पर हस्ताक्षर। और अफगानिस्तान के कंधार प्रांत में गोलीबारी। 6 लोगों की मौत, कई घायल। एक वाहन में सवार लोगों पर कुछ बंदूकधारियों ने किया हमला। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।